हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे अच्छे होंगे। और जैसे ही आपको पता है, मैंने फर्स्ट टाइम कहाँ गए हैं चित्तौड़। और ये हम चित्तौड़ मतलब पहुँचने के बाद हम ये किले पे आए हैं, जो यहाँ का मतलब किला है, पुराना, बहुत पुराना। ये हम अंदर आ गए हैं और ये पूरा नक्शा बना हुआ है, मतलब सिटी का पूरा नक्शा बना है, कैसे क्या रूट है, कैसे तिरंगा तालाब। ये शीशे लगे हुए थे तो प्रॉपर मतलब वीडियो नहीं बन पा रही थी, बट फिर भी मैंने जितना हो सका उतना मतलब क्लियरिटी लाने की कोशिश की है। और यहाँ मतलब हर एक जगह को बनाया हुआ भी है, छोटे छोटे मतलब वो बनाए हुए हैं, नदियाँ बनाई हुई हैं, ब्रिज बनाया हुआ है, घर बनाए हैं, बिल्डिंग बनी है, छोटे छोटे पेड़ पत्थर सब बने हुए हैं, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। और मैं मतलब फर्स्ट टाइम गई हूँ देखने, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और इतना बड़ा बना हुआ है ये चीज़ भी कि मैं आपको क्या बोलूँ, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा प्यारा, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे वाइट कलर के जो बने हुए हैं। और ये हम आगे जाते जा रहे तो ये आप देखिए वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई, बहुत सारे घर बनाए हुए हैं अच्छे अच्छे ये देखिए कितना लंबा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये पुराने मतलब मैं देख देख के बहुत हैरान थी, इतना ये हमारे गणपति बप्पा मोरिया, मतलब मैं इतना हैरान थी कि यार कितने अच्छे अच्छे मतलब आई एम स्पीचलेस, मैं क्या बोलूँ अभी। और ये मैं दूसरी तरफ से व्यू दिखा रही हूँ आपको इसकी का, ये देखिए घाटी मतलब घाटी वाटी सब बनाई हुई है इसके अंदर, कैसे ऊपर चढ़ते हैं, कहाँ है, किधर है, क्या है, सब एरिया बनाया हुआ है। और ये हम अभी आगे जा रहे हैं ये पढ़ने के लिए, यहाँ पे सभी मतलब राजा महाराजा का नाम प्रॉपर डिटेल सब मेंशन किया है यहाँ पे, हर एक इन्फॉर्मेशन मतलब पुरानी जो थी जो है वो सब इन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पे। और इतना सुंदर लगा मुझे यहाँ का व्यूज़ कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती इस चीज़ के लिए, एक्सपीरियंस इतना अच्छा, इतना प्यारा था है मेरा। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्लीज़ यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक और शेयर तो बिल्कुल नहीं करते आप लोग। ये हम आए अंदर और ये देखिए हम अंदर आने के बाद मतलब यहाँ पे एक साइड में वो बना हुआ था ये छोटा सा ताजमहल टाइप का, और छोटे छोटे मतलब मैं मतलब सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो। और ये भी देखिए, ये भी महल है। और ये हम अंदर घुस गए किले के, हाँ वैसे किले के बाहर टिकट लगती है, पैसे लगते हैं, एक पर्सन के चार्जेस लगते हैं अंदर घूमने के, चाहे आप 2 सेकंड घूमो चाहे 2 घंटे घूमो, उसके चार्ज लगते। और ये मेरे हस्बैंड मेरी गुड़िया को और बैग को लेके घूम रहे, और ये मैं और मेरी गुड़िया, हम चल रहे पैदल। हमने कहा चलो हम आपको दिखाते हैं। ये कबूतरों को बुला रही है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ यार, ऐसा क्या कर रहे हो। ये और मैं हम दोनों निकल पड़े आगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है व्यू, और साफ़ सफाई तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मेरी आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कभी राजस्थान आओ तो ये यहाँ ज़रूर घूमो। और ये देखिए सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही है, ये सीढ़ी चढ़ना है इसको। और गाइस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और ये है हमारे जैसलमेर का किला, जो है मतलब बोर्ड लगा हुआ है हर एक जगह का। और ये आम्बेर का किला, मतलब हर एक जगह का वो बनाया हुआ है, कौन सा किला है, रणथंभौर किला, ये अलग अलग जगह के नाम है यहाँ पे, ये देखिए। और पोस्टर बनाए हुए हैं अच्छे अच्छे। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 3 ज़रूर वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।